अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो वर्डप्रेस के अंदर किस तरह से हम अपने पेजेस को, जो वेबसाइट के अंदर पेजेस होते हैं उनको ऐड कर सकते हैं, उनको एडिट वगैरह कर सकते हैं, उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वो देखेंगे। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखा था और यूज़र प्रोफाइल्स और प्रोफाइल मैनेजमेंट और जो है वो क्या कहते हैं ग्रेविटार देखा था, ये सारी चीज़ें देखी थी। अब आगे चलते हैं, पेजेस किस तरह से ऐड होंगे वर्डप्रेस के अंदर और सारे पेजेस को हम किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं वो भी देखते हैं। एक एक वेबसाइट के अंदर ऑब्वियसली बात है कलेक्शन ऑफ पेजेस होते हैं, तो वो पेजेस कैसे बनेंगे वो डिस्कस करते हैं आज। तो मेरे पास वही पुराना जो पिछली क्लासेस में हमने जो काम किया हुआ था वहाँ तक का काम मौजूद है इसके अंदर। आज हम लोग जो है वो इस पेजेस के सेक्शन को देखेंगे। इस पेजेस के सेक्शन पे जब आप जाएंगे तो आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, या तो आप नया पेज ऐड करने के लिए ऐड न्यू पे क्लिक करें वरना ऑल पेजेस पे क्लिक करें। जब हम ऑल पेजेस पे जाएंगे तो हमारे पास जो है वो सिर्फ दो ही यहाँ पर सैम्पल पेज आ रहा है, एक तो ठीक है और एक जो है वो टाइटल आ रहा है और दूसरा जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी का आ रहा है। तो इन पेजेस के ऊपर मैं जब जाऊँगा तो यहाँ पर मैं इस पेज को एडिट कर सकता हूँ, क्विक एडिट भी है, डिलीट भी कर सकता हूँ और व्यू भी कर सकता हूँ। तो फर्स्ट कर लें, मैं सैम्पल पेज नहीं रखना चाहता तो इसको ट्रैश में डाल दें आप, डिलीट कर दें इसको। और जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी और जो है वो टाइटल पेज भी जो है वो मैं नहीं देखना चाहता तो उसको भी मैं ट्रैश में डाल देता हूँ। अब मेरे पास कोई भी पेज जो है वो पेज मौजूद नहीं है। अब मैं यहाँ बटन आ रहा है मेरे पास ऐड न्यू, यहाँ से भी क्लिक करके नया पेज ऐड कर सकता हूँ और वैसे यहाँ से भी क्लिक करके एक पेज ऐड कर सकता हूँ। तो मैं ऐड न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है कि आपके पेज का टाइटल क्या होगा। मैंने कहा होम पेज। उसके बाद इस पेज पर क्या लिखा हुआ होगा, मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, दिस इज़ माय होम पेज एंड यू कैन गेट इनफो अबाउट दिस वेबसाइट हियर। अब यहाँ गौर करें तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं इस पेज के अंदर। मुझे हेडिंग लगानी है, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री और कोई और नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है और शॉर्टकट्स भी साथ आ रहे हैं। अगर आप इन शॉर्टकट्स को यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो शॉर्टकट्स के हिसाब से जो जो सेटिंग्स यहाँ पे लिखी हुई हैं कि हेडिंग वन लगानी है, हेडिंग टू लगानी है, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो फिलहाल तो ये पैराग्राफ सिलेक्टेड है। इसी तरह से आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। फर्स्ट कर लो कि ये जो होम पेज है मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, मैं ऐसे बोल्ड कर दूंगा इसको और इटैलिक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे शॉर्टकट्स भी आ रहे हैं, कंट्रोल आई। और अगर मैं लिस्ट वगैरह लगाना चाह रहा हूँ तो वो लिस्ट भी लगा सकते हैं, अलाइनमेंट्स हैं और जो है वो रीड मोर का टैग है कि अगर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट आपका मौजूद है तो रीड मोर वहाँ पर लिखा हुआ आ जाए। और इसी तरह से जो है वो टूल बार टॉगल, टॉगल किसको कहते हैं, टॉगल कहते हैं कि ऑन करना या ऑफ़ करना। ये जो आपके स्विचेस होते हैं, लाइट के स्विच हो गया, फ़ैन का स्विच हो गया, आप ऑन करते हो तो ऑन ही रहता है, ऑफ़ करते हो तो ऑफ़ ही रहता है। और एक डोरबेल होती है जो आप दबाते हो तो दोबारा अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वो बटन चला जाता है। तो टॉगल बटन वो बटन होता है जिसको क्लिक दबा के रखे तो वो दबा ही रहता है और अगर दोबारा दबाएं तो फिर दोबारा जो है वो दबा ही रहता है। आपके अगर मोबाइल की एग्जांपल ले लें तो फिर जो है वाईफाई का बटन ले लें आप, ऑन रखते हो तो ऑन ही रहता है, ऑफ़ रखते हो तो ऑफ़ ही रहता है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये जो है वो टॉगल टूल बार है, टूल बार आपने जो है वो शो करनी है या नहीं करनी, ये जो आ रही है टूल बार जो है आपके सामने। देखें नीचे और भी ऑप्शन आ रहे हैं ना, ये सारे पेस्ट एज टेक्स्ट वगैरह, क्लियर फॉर्मेटिंग, स्पेशल कैरेक्टर्स, डिक्रीज इंडेंट। इंडेंटेशन का क्या मतलब होता है, फर्स्ट कर लें मेरा यहाँ पर है, मैं इसको आगे कर रहा हूँ तो एक थोड़ी सी स्पेसिंग जो है वो बढ़ जाती है जहाँ पर भी आप इंडेंटेशन लगाते हो। दिस इज़ अनडू, दिस इज़ रीडू, दिस इज़ हेल्प ऑप्शन, शॉर्टकट्स के लिए है ये। और यहाँ पे टेक्स्ट का कलर है, मैं चाहता हूँ होम पेज जो है वो फर्श कर लें कुछ इस तरीके से आ जाए। गर्ज ये कि एक पेज में मैं जिस तरह से फॉर्मेटिंग करना चाहूँ कर सकता हूँ। और यहाँ पर लेट से मैं हेयर को जो है वो यहाँ पर जिसको मैं कटा हुआ दिखाना चाहता हूँ तो देखें, तो ये वो सारे ऑप्शंस हैं, ये हर जगह जो है वो मौजूद होते हैं। और ये टेक्सचुअल व्यू है जिसमें अभी आप मौजूद हैं, आप विजुअल व्यू पे भी जा सकते हो डायरेक्ट, सॉरी ये विजुअल व्यू है, आप टेक्सचुअल व्यू पे भी जा सकते हैं। देखिए डायरेक्ट, अरे ये बात समझ में, यहाँ पर टैग्स फॉर्मेटिंग
जो टैग फॉर्मेट के अंदर आपके सामने आ रहा है सारा का सारा मामला, अगर आप टैग वाइज लिखना चाह रहे हैं, HTML लिखना चाह रहे हैं, तो आप टेक्सचुअल व्यू पे चले जाएँ, वरना विजुअल व्यू में डायरेक्ट डायरेक्ट वो काम ऑटोमेटिकली बैकएंड पे जनरेट होता रहेगा। क्लियर है ये बात? उसके बाद अगली जो चीज़ है वो यहाँ पर है, वो ऐड मीडिया। अच्छा, इसका लिंक भी यहाँ पे आ रहा है कि जब आप इस पेज को खोलना चाहेंगे तो फिर आप ऐसे लिखेंगे। क्लियर है ये बात? होम पेज ऐड मीडिया। अब ऐड मीडिया के अंदर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएट गैलरी अगर आपके पास इमेज है इमेजेस हैं, और क्रिएट ऑडियो प्लेलिस्ट, और क्रिएट वीडियो प्लेलिस्ट, और फीचर्ड इमेजेस, और इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल। मीडिया लाइब्रेरी के अंदर आपके पास कोई अगर आइटम मौजूद है तो वो रख लें। ड्रॉप फाइल्स एनीवेयर टू अपलोड। क्लियर है ये बात? मैं जो है वो यहाँ से जो जो फाइल अपलोड करना चाहता हूँ उसको मैं कर सकता हूँ। आगे चलें तो यहाँ से आप जो है वो जितनी भी चाहें इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हो। गैलरी, क्रिएट गैलरी, सिलेक्ट फाइल्स। अब यहाँ पर जो है वो फर्श कर लें, ये कोई इमेज पड़ी हुई है, मैंने इसको पिक किया तो ये इमेज यहाँ पे शो हो गई। इस इमेज के ऊपर जो जो डिटेल्स मैं देना चाहता हूँ मैं यहाँ से दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया सर्टिफिकेट, ऑल्टरनेट टेक्स्ट में मैंने लिख दिया नो इमेज फाउंड लेट्स से, और डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया SQL सर्वर लेट्स से सर्टिफिकेट। सही है, ये हो गया एक आपके पास एक इमेज है। इस तरह से आप बहुत सारी और इमेजेस भी ऐड कर सकते हो। ये मैं एक गैलरी बना रहा हूँ, क्रिएट अ न्यू गैलरी। उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो सर्टिफिकेट ऐड होने के बाद अब यहाँ पर आ रहा है लिंक टू अटैचमेंट पेज, लिंक टू मीडिया फाइल, लिंक टू नन। अगर इसको किसी से लिंक करवाना है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। कॉलम्स, कितने कॉलम्स बनेंगे आपकी गैलरी के अंदर? 3 कॉलम बनेंगे, 4 कॉलम बनेंगे, 5 कॉलम बनेंगे, 8 बनेंगे? रैंडम ऑर्डर, भाई रैंडमली इमेजेस आएँ। और साइज़ इसका कैसा होगा, मीडियम होगा, लार्ज होगा? मैंने कहा मीडियम। थंबनेल मतलब छोटी इमेज, ठीक है? तो जैसा आपको मुनासिब लगे वैसा आप कर लें यहाँ पर। उसके बाद इंसर्ट गैलरी, किसकी बात कर रहे हैं? एक मिनट, कहाँ कहाँ थे हम लोग? एडिट, हाँ यहाँ बताएं। हाँ, ये जो है वो बेसिकली इस इमेज पे कोई लिंक लगाना है या नहीं लगाना वो ये है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो पेज के ऊपर ही रहने दें इसको और इसको अपडेट कर दें। तो देखें आपके पेज के ऊपर ये एक इमेज यहाँ पर इस तरह से दिखेगी, वो यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद जब ये सारा काम हो जाए तो आप जो है वो इसको प्रीव्यू भी कर सकते हो। ये देखें एक ही पेज आ रहा है, दिस इज़ द होम पेज, और यहाँ पर देखें ये एक गैलरी आ रही है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो ये मुझे उसकी डिटेल वगैरह बता रहा है। ले रही बात, ये सब बना बनाया काम है। अब दोबारा चलते हैं हमारे पास डैशबोर्ड पे, पेजेस, ऑल पेजेस। यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है, इसको करते हैं एडिट दोबारा से। अब जिस तरह से भी आपने इसमें कंटेंट ऐड करना है वो कर लें, और उसके बाद जो है वो उसको आप सेट कर लें यहाँ पे। अच्छा, स्टेटस में यहाँ देखें क्या लिखा हुआ रहा है, ड्राफ्ट विजिबिलिटी में लिखा हुआ रहा है पब्लिक, और पब्लिश इमीडिएटली पे जो है वो यहाँ पर इमीडिएटली सिलेक्टेड है। इन तीनों सेटिंग्स को भी आप एडिट कर सकते हैं। जब मैं पब्लिश कर दूंगा तो ये पेज मेरा ऑफिशियली पब्लिश हो जाएगा वेबसाइट पे, ठीक है? स्टेटस ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट से हटा के इसको आप पेंडिंग रिव्यू पे कर लें कि भाई अभी हम इसको चेक कर रहे हैं। विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी को आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड, मतलब इस पेज को आप डायरेक्टली खुलवाना चाहते हैं तो पब्लिक पे रहने दें, लेकिन अगर पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि पासवर्ड डालने के बाद ये पेज खुले तो फिर आप यहाँ पर पासवर्ड प्रोटेक्ट पे क्लिक कर दें। और अगर आप प्राइवेटी रखना चाहते हो कि बस मैं ही खोल सकूँ और कोई ना खोल सके एडमिन के अलावा, तो फिर इसको प्राइवेट रखें, क्योंकि डैशबोर्ड अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप यूज़र्स को नहीं दिखाना चाह रहे होते। एक तो ये हो गया, फिर पब्लिश जो है वो यहाँ पर आ जाए,
अब पब्लिश की भी यहाँ डेट और टाइम आ रहा है, आप जिस मखसूस डेट और टाइम पर इसको पब्लिश करना चाहेंगे उसी दिन ही और डेट को ये पब्लिश होगा। और डायरेक्टली वरना यहाँ पर पब्लिश का बटन है, आप इसको यहाँ से पब्लिश कर दें। अब ये मेरा पेज जो है वो पब्लिश हो चुका है, पेज पब्लिश्ड व्यू पेज, ठीक है। तो अब ये URL इस तरह से आएगा आपके सामने, जब आप ऐसे लिखोगे तो आपके सामने ये पेज आ रहा होगा। क्लियर है ये बात? एक और पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, पेजेस ऐड न्यू, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर, यहाँ पर हम दे देते हैं कॉन्टैक्ट अस, टाइटल आ गया हाय एवरीवन, यू कैन राइट टू अस एट abc@def.com। एक मैसेज लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर कोई हेडिंग भी लगाना चाहता हूँ, इसको मैंने हेडिंग बना दिया खैर। और ये देखें, अब क्योंकि आपके पास एक पेज ऑलरेडी एडिट है, तो अब ये कह रहा है कि इस पेज का कोई पेरेंट पेज होगा, मतलब ये पेज जो है वो किसी पेज के अंडर में खुलेगा या इसका कोई पेरेंट नहीं होगा, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ऑर्डर, ऑर्डर ज़ीरो का मतलब है पहला पेज, होम पेज, सही है। ऑर्डर ज़ीरो का मतलब है होम पेज। अच्छा, इसको यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, वर्डप्रेस लोकल होस्ट / वर्डप्रेस, अच्छा ये क्रोम खुला हुआ है, एक सेकेंड। ये आ गया, लेकिन यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ठीक है, फिर आ रहा है, इसकी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी यहाँ से। पेजेस ऑल पेजेस, ये जो मेरा होम पेज है इसको हम लोग जो है वो क्विक एडिट पब्लिश, इसको हम लोग यहाँ से मुझे इसको अपना जो है वो डिफ़ॉल्ट पेज बनाना है। दूसरे पेज को हम दोबारा देख लेते हैं, कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पर भी कोई एक दो इमेजेस डाल देते हैं, ऐड मीडिया, क्रिएट अ वीडियो प्लेलिस्ट। अब वीडियो ऐड करते हैं, देखते हैं कोई वीडियो हमारे पास मौजूद है, फर्श कर लेंगे एक वीडियो है, इसको जो है वो हम लोग यहाँ पर, अच्छा इसका साइज़ ज़्यादा है, हम कोई और वीडियो देख लेते हैं। चलें ये ले लेते हैं, इनका साइज़ जो है वो बस 2 MB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब इतनी बड़ी
कोई जाहिर सी बात है हमारी वीडियोस तो ज़्यादा ही लंबी है, तो वो यहाँ पर वीडियो, खैर आप अपनी ये छोटी वीडियो को यहाँ पर अपलोड कर सकते हो 2 MB से साइज़ जिसका हो और उससे ज़्यादा ना हो। तो खैर अभी फ़िलहाल हमारे पास ऐसी कोई वीडियो है नहीं जो 2 MB की हो, मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज़ 2 MB होना चाहिए। ऑडियो प्लेलिस्ट यहाँ पर भी 2 MB की फ़ाइल है, गैलरी, ऐड मीडिया, और भी मीडिया आइटम ऐड कर लें यहाँ पर आप, इसको भी कर दें पब्लिश। और पब्लिश करने से, अच्छा पब्लिश तो कर दिया है, लेकिन इसको होम पेज जो है वो हम पेरेंट पेज बनाते हैं, होम पेज के अंडर में ये जो है वो आए, अपडेट हो जाए। अब ऑर्डर अभी ज़ीरो रहने दें 1 मिनट, और अब यहाँ पर हम इसको टेस्ट करते हैं, लोकल होस्ट फॉरवर्ड स्लैश वर्डप्रेस और सॉरी क्या था, होम पेज। एक और चीज़ की जो हमें यहाँ पर कमी है वो महसूस हो रही है, वो बेसिकली क्या कहते हैं, जो हमारा वेबसाइट के अंदर एक मेन्यू होता है, वो मेन्यू यहाँ भी मौजूद नहीं है कि जो हम नेविगेट कर सकें, वो भी हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग कॉन्टैक्ट के पेज पे जाके देखते हैं, कॉन्टैक्ट अस, क्या नाम रखा था हमने अपने पेज का, सिर्फ कॉन्टैक्ट, सही है। तो पेजेस तो हमारे पास खुल रहे हैं, बस हमारे पास जब जिस चीज़ की कमी है वो क्या है, मेन्यू है। लेकिन खैर इस वीडियो का पर्पस हमारे पास ये था कि हम किस तरह से वर्डप्रेस में पेजेस ऐड कर सकते हैं, क्या आप लोगों को वो क्लियर है? आप हर तरह से इसमें जो है वो मॉडिफिकेशन और चेंजेस और अपनी तरह का मीडिया और चीज़ें सारी डाल सकते हो, और उसके बाद अपनी वेबसाइट के पेजेस को बढ़ा सकते हो। जब ये सारा काम हो जाएगा तो फिर इसका जो अगला स्टेप है वो मेन्यू को ऐड करना है, ठीक है? तो अब इंशाल्लाह अगली क्लास में जो है वो हम लोग जो है इस मेन्यू किस तरह से ऐड होता है वर्डप्रेस में उसको देखेंगे फिलहाल।